हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी के साथ, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो हेल्दी भी हो और जो कम टाइम में बनकर रेडी हो जाए। तो आज मैं बनाऊंगी बनाना पैनकेक और ये बहुत ही हेल्दी है और टाइम तो एकदम कम लगेगी, यानी कि 5 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगी और बच्चों को पसंद भी आएगी। तो सामने संडे में जरूर ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं बनाना पैनकेक। लेट्स बिगिन। बनाना पैनकेक बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बनाना, इधर पे 10 बनाना है, और उसके साथ ही साथ मैंने ले लिया है 300 ग्राम मैदा, यानी कि 1:1 रेशियो में रहे, और इसके साथ साथ 50 ग्राम चीनी, क्योंकि बनाना बहुत ही मीठा है इसके लिए 50 ग्राम चीनी इनाफ है, और मैं यूज़ करूँगी 250 ml दूध। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। फर्स्ट में मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार और उसके अंदर बनाना ऐड कर रही हूँ, और उसके साथ ही साथ शुगर भी ऐड कर रही हूँ। बनाना को अभी बिना पानी से ब्लेंड कर लेंगे। देख लीजिए बनाना हमारा मेल्ट हो गए है पूरा के पूरा एकदम, मैं ग्राइंड कर लिया। अभी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध और फिर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। देख लीजिए सब कुछ एक साथ ब्लेंड हो गए है। अभी ऐड कर देंगे मैदा, मैदा को भी ब्लेंड कर लेंगे एक साथ में। सारे के सारे सामान हमारा ब्लेंड हो गए हैं, देख लीजिए बहुत ही अच्छे से। तो अभी इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लेंगे। बनाना पैनकेक बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी है, तो चलिए अभी पैन चढ़ाते हैं। मैंने तवा चढ़ा दिया है और अभी थोड़ा सा बटर ऐसे ब्रश कर देंगे। बटर देने से बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आ जाते हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो इसके जगह पे रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर हमारा गर्म हो गए है और इस टाइम में ऐड कर देंगे ये बैटर ऐसे। और फ्लेम को अभी लो में कर दीजिए और 1 मिनट के लिए एक साइड को पका लीजिए। 1 मिनट हो गए है तब इसको पलट देंगे। बहुत ही हल्का हाथों से कीजिए और नॉनस्टिक तवा का ही यूज़ कीजिए, तो उससे बहुत ही ईजीली हो जाएगी। ऐसे पलट दीजिए और दूसरे साइड को भी 1 मिनट के लिए पका लीजिए। देख लीजिए ये हमारा रेडी हो गए है, तो इसको भी निकाल लेंगे और फिर से थोड़ा सा बटर ब्रश कर देंगे ऐसे, बैटर दे देंगे पैनकेक बनाने के लिए। बहुत ही इजी है ये रेसिपी, लेकिन बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है ऐसे। एक मिनट के लिए एक साइड को पका लीजिए। 1 मिनट हो गए है अभी इसको पलट देंगे, ऐसे पलट दीजिए और दूसरे साइड को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट हो गए है ये भी हमारा रेडी हो गए है, तो चलिए निकाल लेते हैं और ऐसे सारे के सारे को तैयार कर लेते हैं। देख लीजिए मेरा इजी एंड टेस्टी हेल्दी बनाना पैनकेक अभी बनकर रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरे रेसिपी? अगर अच्छे लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। Till then, take care. Bye-bye.